अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हुए भाषण को नोएडा के अनिल शुक्ला संसद के समय की बर्बादी बता रहे हैं। उनका कहना है कि इससे जनता को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के भाषणों पर देश के खिलाड़ियों की क्या प्रतिक्रिया है, ये जानने के लिए हमारे साथ हैं टेनिस खिलाड़ी अनिल शुक्ला जी। अनिल शुक्ला जी, जो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हुई है दोनों नेताओं में, क्या माने निकालते हैं आपकी नज़र से? बहस मुझे पूरी बेमानी लगी। समय खराब हुआ जनता का, ना विपक्ष के पास कुछ था और पक्ष के पास कुछ ना था। ये सब हम रोज़ भाषणों में सुन ही रहे हैं, जो विपक्ष कह रहा है रोज़ न्यूज़ में आ रहा है, जो पक्ष कह रहा है वो रोज़ न्यूज़ में आ रहा है। ये जनता का समय बर्बाद किया और मेरे हिसाब से विपक्ष ने सिर्फ समय खराब किया और कुछ ऐसा काम नहीं किया। पक्ष ने भी कोई ऐसी बात नहीं रखी कि कोई नई चीज़ सामने आ रही हो या उन्होंने कुछ जवाब दिया हो। हाँ, राफेल डील के बारे में कोई एक नया खुलासा हो गया कि वो सीक्रेसी क्लॉज था, अलग आरोप लग रहे हैं। मेरे ख्याल से 4-6 दिन उस पर और राजनीति होगी, बट ये लग रहा है सारा समय खराब करने के लिए था। 2019 की तैयारी थी, ये कोई आज के लिए नहीं था, ये 2019 के चुनाव का मेरे ख्याल से बिगुल बजाने की तैयारी थी और मेरे को कुछ नहीं लग रहा है इसमें। अनिल जी का कहना है कि ये जो पूरी बहस हुई है दोनों नेताओं में, ये 2019 के चुनाव की तैयारी की जा रही थी, ना कि जनता के लिए किसी तरीके की बहस थी। कैमरामैन विजय के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज नोएडा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।